हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हम देखेंगे। अगर आप एमपी स्वान इंटरनेट यूज़र हो, अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एमपी स्वान यूज़र के लिए काफ़ी सारी बड़ी और अपडेट जानकारी आई है और आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि 2-3 दिन से स्वान कनेक्टिविटी इंटरनेट में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई सारे बदलाव और चेंजेस किए गए हैं। आने वाले समय में काफ़ी सारा अच्छा सर्विस मिले, उसके बाद इंटरनेट स्पीड में कुछ अपग्रेड हो, तो आपको अब स्वान में कुछ सेटिंग्स का बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, चलो हम देखेंगे। सभी क्लाइंट के लिए हमने एक एक करके इसमें बताया। छोटा सा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको कुछ आप गलती ना करो, ताकि आप उसमें बराबर आपके कंप्यूटर में आपकी मशीन्स में सेटिंग्स कर पाओ। चलो सबसे पहले हम देखेंगे लेन यूज़र के लिए, उसके बाद RF कस्टमर्स के लिए, यूज़र के लिए या क्लाइंट्स के लिए, उसके बाद अगर आप ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्शन दिया गया है उनको लिए भी देखेंगे, सभी के लिए। ट्रेजरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गाइस, सबसे पहले आपको आपकी मशीन पर जाना है, उसके बाद सबसे पहले आपको जहां आपका कंप्यूटर्स है वहां पर आपको पीसी के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर का आइकॉन दिखाई देगा, यानी कि जहां पर आप नेटवर्क, यहां जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये यहां पर ये वाला जो आइकॉन है इसको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास विंडोज 7, 10 एंड वॉट एवर जो भी है वो कनेक्टिविटी है तो आपको तो भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको माउस ले जाना है, राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क इंटरनेट और सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में भी मिल जाएगा, तो आपको कंट्रोल पैनल से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको तो भी नहीं आ रहा है तो आपको कॉल करके कस्टमर को, अपने ब्लॉक इंजीनियर को, आपके डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को बुला के आप हेल्प ले सकते हैं। अभी COVID-19 में इंजीनियर आपके ऑफिस में टाइम पर नहीं भी पहुँच सकता है, तो आपको खुद को ही कभी फ़ोन से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर आपने क्लिक करोगे नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में, तो आपको सबसे पहले आपको विंडोज़ खुल जाएगा नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर का, ये वाला जिसमें विंडोज़ 10 है, इसलिए आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ। यही ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा, आपको नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाना है। जी हाँ, मैं इतना बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं क्लाइंट को नहीं आएगा ये खोलते। और अफकोर्स कि आज जैसे कि हमने देखा, आज हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंट आई थी कि हम भी परेशान हो चुके थे। इसलिए अभी देखो, ये है आपका कंट्रोल पैनल, यहाँ पर सीधा नेटवर्क और इंटरनेट में जाना है, नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाना है, और उसके बाद आपको इस इंटरनेट के आइकॉन में कई जगह पे यहाँ पर लोकल एरिया कनेक्शन लिखा आएगा, कई जगह यहाँ पर इंटरनेट लिखा आएगा, और कई जगह यहाँ पर टैब का बटन आता है, यहाँ पर एक टैब लिखा आएगा, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी लोकल कनेक्शन, या यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मशीन में अगर यहाँ पर कोई वाईफाई है तो पहले उसको वाईफाई रिमूव कर दे और फिर स्वान का आपको इंटरनेट आईपी चेंज करना है। जैसे कि मैंने बताया, आप तो यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में, और यहाँ से भी। चलो अब इस नेटवर्क इथरनेट में क्लिक कर देना है आपको, उसके बाद कुछ ऐसा विंडोज़ खुलेगा। अगर ये विंडो नहीं खुलता है तो यहाँ पर आपको लोकल एरिया कनेक्शन लिखा आता है, वहाँ पर क्लिक कर दे, या तो यहाँ चेंज एडाप्टर सेटिंग में भी जाके आप लोग इथरनेट के ऑप्शन में जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, उसके बाद में आप इस विंडोज़ पर आ जाओगे, कौन सी, ये वाली पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको छोड़ो, यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑप्शन अधिकतर मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला इथरनेट या लोकल एरिया कनेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टी में जाना है, एक बार क्लिक करना है प्रॉपर्टी में जाने के लिए, उसके बाद आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 TCP/IPv4 पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा विंडो खुल के आएगा, इसको पॉपअप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में पहले से हम लोगों ने या किसी दूसरे इंजीनियर्स ने आईपी असाइन की होगी, या किसी किसी कंप्यूटर में आपको ऐसा खाली सा दिखाई देगा, देखो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको तो भी कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको, अगर यहाँ पर आईपी होंगी तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, उस आईपी को छेड़खानी नहीं करना है। ये देखो यहाँ पर छेड़खानी नहीं करना है, आपको छेड़खानी करना है नीचे DNS में। तो इस ऑप्टिन, अगर आपके पास आईपी नहीं डली, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस, और यहाँ पर DNS एंटर करना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे यार हमारे पास तो पहले से आप लोगों ने आईपी डाल रखी थी,
कोई बात नहीं, देख लो पहले, मैं बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर 10.124.4.18 डाल देना है, यहाँ पर 4.18 डालना है और यहाँ पर आपको 8.8.8.8 कर देना है। ये सिर्फ एम्पीसॉन यूज़र के सभी क्लाइंट के लिए है। जी हाँ, सभी यानी कि सभी, चाहे वो OFC पे हो, चाहे वो लेन पे हो, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे आपकी बिल्डिंग पे, जो आपकी सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उन पर एंटीने लगे होंगे, बड़े बड़े छोटे व्हाटएवर, उनके ऐसे क्लाइंट को अगर दिक्कत आ रही होंगी उनके लिए भी अभी के लिए ये सेटिंग है। बाकी जो ब्लॉक इंजीनियर है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, उन्होंने, हम लोगों ने सभी सेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो वैसे तो कहे तो अधिकतर लोकेशन पे ऑटोमेटिक कर दिया है, लेकिन कुछ लोकेशन पर आपको तो भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका इंजीनियर नहीं पहुंच के कर पाया हो तो आपको ये सेटिंग तत्काल कर लेना है ताकि आपका काम ना रुके। तो आपको बस ये DNS एंटर कर देना है 10.124.4.18.8.8.8, उसके बाद सेव करना ना भूले भाई साहब। जी हाँ, अगर आपने सेव नहीं किया तो आपका काम नहीं होगा। सेव कैसे करोगे? किसी किसी सिस्टम में, कंप्यूटर में, मशीन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में यहाँ पर ओके लिखा आएगा, किसी किसी में डन लिखा आएगा, किसी किसी में सेव लिखा सकता है या ओके डन ऐसा कुछ लिखा आएगा। तो ओके कर देना है, फिर ओके करना है, फिर क्लोज करना है भाई साहब। तो होगा क्या, आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी एंड ऑफकोर्स गाइज योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ रेडी, सब कुछ चलेगा इसमें, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे आपकी ट्रेजरी हो, चाहे वॉट एवर हो, 10.5.11.4 ये MP ट्रेजरी का ऑफिशियल साइट है, ये सब कुछ खुलेगा आपका, ठीक है। अभी मेरे को IP डालना पड़ेगा इसलिए नहीं खुल रहा है। तो ये मैंने आपको गाइस एक टेस्टिंग सी बताई, और किसी को कोई तकनीकी समस्या और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल बैक करें, अपनी स्वान लोकल टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सभी का डिटेल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और गाइस ये मेरा दूसरा वाला चैनल है ER.SailesNarvare प्रोडक्शन, जिस पर ऐसे ही टिकटॉक सपोर्ट, बिहाइंड द सीन एंड मच मोर कंटेंट आते रहता है। इसे भी सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।